मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार उन्हें सोयाबीन के दाम बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि भैया दूज पर हुए मुहूर्त सौदों में तो सोयाबीन जबरदस्त भाव पर बिका है। पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन के भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा रहे हैं और अन्य उपजों के भाव भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा रकबे में बोई गई सोयाबीन की आवक मध्य प्रदेश की गुना मंडी में महज 4000 क्विंटल के आसपास देखने को मिली। दूसरी ओर इसके भाव में तेजी का रुझान रहा। शुक्रवार को इसके भाव 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक बोले गए। शुक्रवार को मॉडल भाव 4880 रुपए प्रति क्विंटल पर दिखाई दिया, जबकि 21 अक्टूबर को यह 4625 था। मंडी के कारोबारियों का कहना है कि मौसम की मार के चलते इस बार सोयाबीन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मुहूर्त सौदों की बात की जाए तो भोपाल मंडी में गेहूं 2368 से 2600 रुपए में बिका और इसी प्रकार मॉइस्चर यानी नमी अधिक होने के बावजूद सोयाबीन गत वर्ष से 900 रुपए ऊपर बिका। गत वर्ष सोयाबीन मुहूर्त सौदों में 4000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका था, वहीं इस बार 4911 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिका है। वहीं इसी के साथ मक्के की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। मक्का पिछले साल जो 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका था, वहीं इस बार सौदों में 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकता हुआ दिखाई दिया है। अनाज कारोबारियों ने कहा है कि अभी अनाज की आवक कमजोर है। फिलहाल सोयाबीन और मक्का के साथ मूंग की आवक बढ़ने की उम्मीद है। उधर किसान खरीफ की फसल जल्द से जल्द बेचकर रबी सीजन के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं, इसीलिए छुट्टी के तुरंत बाद ही मंडी खुलते ही लगातार किसानों का जमावड़ा मंडियों में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।